हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्र है, माता को सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने ढेरों प्यार के साथ माता रानी को मना रहे हैं और माता रानी सबके घर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, दस्तक हो चुकी है माता रानी की, माता रानी आ गई है। अब उन्हें खूब मनाइए, खूब प्रेम से उन्हें भोग लगाइए, उनकी सेवा पूजा करिए और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की विघ्न बाधाएं बहुत ही कम समय में, चुटकियों में दूर हो जाएगी। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताया है, मैंने पूरे नवरात्र में बहुत सारे पाठ बताए हैं, आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ जो आप सप्तमी, अष्टमी और नौमी के दिन अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, हम रोज माता रानी को तो मनाते ही हैं, साथ ही साथ अगर राशि के अनुसार आप माता की आराधना करते हैं तो माना जाता है आपके जीवन में बहुत जल्दी शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सप्तमी, अष्टमी और नौमी तीन दिन आपको ये उपाय करने हैं। ध्यान से सुने कौन सी राशि वाले को क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं दोस्तों, तो आपको स्कंद माता की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए और नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपनी राशि ग्रह के अनुकूल आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और अगर आप डांडिया खेलने जाते हैं दोस्तों, तो डांडिया खेलते समय आपको डांडिया लाल चंदन या खेर की लकड़ी का आप डांडिया यूज करें तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, यदि यह राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो द्वितीय महाविद्या तारा देवी की उपासना करें और मेष राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ, उसका जप करें। मंत्र है रिंग स्त्रिंग हुंग फट। इस मंत्र का आप जप करें दोस्तों, आप देखेंगे रोज आपको 108 जप करने हैं जरूर से इस मंत्र के। सप्तमी, अष्टमी, नौमी मार्क करके रख ले दोस्तों, ये तीन दिन आपको करनी है और आप देखेंगे राशि अनुसार उपाय करने से आपके जीवन में कितने चमत्कारी बदलाव आते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के जातक हैं दोस्तों अगर आप, तो आपको महागौरी माता की विशेष उपासना करनी चाहिए, नवरात्र के दिनों में ललिता सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए और आप अपनी राशि ग्रह के अनुकूल गुलाबी या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। डांडिया खेलते समय आपकी डांडिया गुलर के पेड़ की लकड़ी की लें और साथ में सफ़ेद कपड़ा बांध लें तो आपके लिए बम बम करने वाला होगा। दोस्तों, महागौरी माता की अविवाहित कन्याओं की आराधना करें तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यदि राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो श्री विद्या यानी षोडशी देवी की साधना करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ, वो जप करें। मंत्र है एंग क्लिंग सों। दोस्तों, बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। दोस्तों, मिथुन राशि यानी जेमिनी की, और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको देवी यंत्र को स्थापित करके माता ब्रह्मचारिणी की विशेष उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के दिनों में तारा कवच का पाठ करना चाहिए। आप अपनी राशि ग्रह के अनुकूल हरे रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय अपा मार्ग की लकड़ी का डांडिया यूज करें तो आप देखेंगे साथ में हरा कपड़ा बांध के आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से ज्ञान और विद्या के अवरोध दूर हो जाते हैं और यदि ये राशि वाले साधना करना चाहते हो तो भुवनेश्वरी देवी की साधना करनी चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए बस एक मंत्र का, छोटे से मंत्र का जप करें और वो है एंग ग्रिम। दोस्तों, बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो दोस्तों आपको शैल पुत्री माता की उपासना करनी चाहिए और लक्ष्मी सहस्र नाम का पाठ रेगुलर करना चाहिए। अपनी राशि ग्रह के अनुकूल सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और डांडिया खेलते समय आपको डांडिया पलाश या सफ़ेद चंदन की लकड़ी की होनी चाहिए। लकड़ी के डांडियों पर आप सफ़ेद कपड़ा बांध लें, आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक आपके चेंजेस आते हैं लाइफ में। और यदि ये राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो आपको कमला देवी की साधना करनी चाहिए। कर्क राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र का उपयोग करें तो अति उत्तम रहेगा, वो है ओम श्रृंग। दोस्तों, बात करेंगे हम
सिंह राशि वालों की। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको कूष्मांडा माता की विशेष उपासना करनी चाहिए और नवरात्र के दिनों में दुर्गा मंत्रों का जप आप करेंगे, अपनी राशि ग्रह के अनुकूल पीले रंग के कपड़े पहनेंगे और डांडिया खेलते समय आंकड़े के पेड़ की लकड़ी से डांडिया खेलेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, यदि ये राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए माता बगला मुखी की आपको साधना करनी चाहिए। सिंह राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा सा मंत्र का जप करें और मंत्र है ओम रें बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाय रिंग ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप करें तो आप देखेंगे आपके जीवन के सारे जितनी निगेटिव एनर्जी है, जितनी मुसीबतें हैं, वो चुटकियों में दूर होकर के आपके जीवन में सुख संपत्ति का वास हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ब्रह्मचारिणी माता की विशेष उपासना करने का नियम है और नवरात्र के दिनों में लक्ष्मी मंत्रों का जप करना चाहिए। आप अपनी राशि ग्रह के अनुकूल हरे, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय आपकी डांडिया अपामार्ग या आंधी झाड़ा की लकड़ी की होनी चाहिए जो आपके लिए अति उत्तम होगा। यदि राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी की करनी चाहिए और कन्या राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र की उपासना करें, वो है एंग रिंग एंग। बात करते हैं हम नेक्स्ट तुला राशि वालों की। दोस्तों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको महागौरी माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के दिनों में काली चालीसा या सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। आप अपनी राशि ग्रह के अनुकूल सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय सफ़ेद पलाश या सफ़ेद चंदन की लकड़ी का डांडिया से खेलें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यदि ये राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो षोडशी देवी की करें और तुला राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र का जप करें, एं क्लिंग सौं। दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो दोस्तों आपको स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहता है और अपनी राशि ग्रह के अनुकूल लाल और केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए। डांडिया खेलते समय आपकी डांडिया खैर की लकड़ी की होनी चाहिए तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। और यदि यह राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो तारा देवी की करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए श्रिंग रिंग स्त्रिंग हुंग फट इस मंत्र का जप करें। बात करते हैं हम धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातक हैं तो आपको चंद्रघंटा माता की विशेष उपासना करनी चाहिए और नवरात्र के दिनों में दुर्गा संबंधित मंत्रों का यथाविधि अनुष्ठान करना चाहिए। आप अपनी राशि ग्रह के अनुकूल पीले रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय पीपल की लकड़ी से डांडिया खेलेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, यदि ये राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो कमला देवी की करनी चाहिए और धनु राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र की उपासना करें और मंत्र है श्रृंग। दोस्तों, बात करती हूँ मकर राशि की यानी कि मेरी राशि। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको काल रात्रि माता की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए और नवरात्र के दिनों में नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। यथाविधि अनुष्ठान करें और अपनी राशि ग्रह के अनुकूल नीले रंग के कपड़े पहने। डांडिया खेलते समय शम्मी के पेड़ की लकड़ी से डांडिया खेले दोस्तों तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। यदि ये राशि वाले साधना करना चाहते हैं तो माँ काली की देवी की साधना करनी चाहिए। मकर राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा सा मंत्र का जप करें, वो है क्रिं कालिकाए नमः। दोस्तों, बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों की। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको काल रात्रि माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के दिनों में देवी कवच का पाठ करना चाहिए और अपनी राशि ग्रह के अनुकूल काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। डांडिया खेलते समय शम्मी के पेड़ की लकड़ी के डांडिया खेलें और राशि वाले अगर साधना करना चाहते हैं तो माँ काली देवी की उपासना करें। दोस्तों,
कुंभ राशि वालों को महाविद्या की उपासना के लिए, साधना के लिए मंत्र का जप करना चाहिए, क्रिंग कालिकाए नमः। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मीन राशि, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि यानी पिसिस की दोस्तों। और पिसिस के लिए चंद्र घंटा माता की विशेष उपासना करने का नियम होता है। नवरात्र के दिनों में हरिद्रा की माला से बगला मुखी मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी राशि के अनुकूल केसरिया, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय आपकी डांडिया पीले चंदन के लकड़ी की हो जाए तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है। दोस्तों यदि आप साधना करना चाहते हैं तो माता कमला देवी की साधना करें और मीन राशि वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र का जप करें। मंत्र कौन सा है? श्री कमलाय नमः। तो दोस्तों कर लीजिए इस राशि के अनुसार नवरात्रि के उपाय। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीन दिन आपको करने हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली सभी से फटाफट इन वीडियोस को जरूर शेयर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन अगर राशि के अनुसार उपाय करे तो किसको सूट करेगा और किसकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। बोलिए दुर्गे मात की जय। जय माता दी।